रांची के युवा पर्वतारोही हैं पंकज कुमार, जिन्होंने गंगोत्री नेशनल पार्क गढ़वाल, हिमालय के माउंट सतोपंत पीक पर 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर झारखंड का झंडा लहराया है। इस दौरान उन्हें बर्फबारी व खराब मौसम का भी सामना करना पड़ा। इस अभियान के दौरान उनके कुछ साथी भटककर फंस भी गए, जिन्हें 2 दिन के बाद रेस्क्यू किया गया। यह पर्वतारोहण अभियान 20 अगस्त को 6 क्लाइंबर्स के साथ गंगोत्री में शुरू हुई, जो भोजवासा, गौमुख, नंदनवन होते हुए वासुकी ताल पहुंचे। वासुकी ताल बेस कैंप था, जहां पर 3 दिन आराम कर आगे निकले, लेकिन अचानक खराब मौसम होने के कारण फिर से वापस बेस कैंप लौटना पड़ा। इसके बाद फिर आगे बढ़े, चढ़ाई करते रहे। इस अभियान में लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धूमल, इंस्ट्रक्टर छत्र सिंह, एक्सपेडिशन लीडर पाचू सेठी, जॉइंट कमिश्नर जेमी जेकब, विजय प्रसाद शामिल रहे। पंकज का ये दूसरा पर्वतारोहण अभियान था। इससे पहले उन्होंने सरस्वती रेंज के ब्लैक पीक में 6387 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा हमता पास, सर पास, बाली पास जैसे लगभग 25 पास में ट्रैकिंग पर जा चुके हैं। उन्होंने एमिटी नोएडा से ग्रेजुएशन किया है, वहीं मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है। मेरा अगला एम यह है कि मैं माउंट शिवलिंग को क्लाइंब करूं, जो कि गढ़वाल हिमालयस में आता है, और साथ ही साथ झारखंड में रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेल को बढ़ावा दूं, क्योंकि झारखंड छोटा नागपुर प्लेटियों पर स्थित है, तो यहाँ रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेल की काफ़ी संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ के यूथ को बोलना चाहूँगा कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ गया है, यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी संभावनाएं कम है, आप इसमें एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल करिए, इसके बारे में पढ़िए। इस साल से रॉक क्लाइंबिंग, इंडोर क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग, इन सभी खेलों को ओलंपिक में भी जगह मिला है, तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप ऐसे हिडन स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। पंकज जी आ रहे हैं समिट कैंप, चलो पढ़ो। हाँ पंकज बड़े चलो।